टेलीविजन शो ये है मोहब्बतें फेम दिव्यांका त्रिपाठी इन दिनों रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 में हिस्सा लेने के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है। दिव्यांका ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि कुछ साल पहले उन्होंने एक फैसला किया था जिसके कारण आज वो काफी खुश हैं। दिव्यांका कहती है कि मनोरंजन जगत में बनी रहने के लिए फिटनेस और खान पान का काफी ध्यान रखना पड़ता है। इतना ही नहीं, कई चीजों का बलिदान भी करना पड़ता है। दिव्यांका को ऐसा ही एक बलिदान करना पड़ा था जिसके बारे में एक्ट्रेस ने खुलासा किया है। दिव्यांका ने बताया कि उन्होंने चाय पीना छोड़ दिया है। वो कहती है कि मैं भोपाल से हूँ और एक चीज जो बरसों तक मेरी जिंदगी का हिस्सा रही वो है चाय। हालांकि इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने जो सबसे बड़ा बलिदान दिया है वो ये है कि मैंने चाय छोड़ दी। एक्ट्रेस ने आगे बताया कि ये उस समय की बात है जब मैं ये है मोहब्बतें शो किया करती थी। वहाँ मौजूद कुछ अभिनेता एक स्पेशल डाइट फॉलो करना चाहते थे। ये वो समय था जब मैं रोज कम से कम 8 से 10 कप चाय पिया करती थी। मुझे लंबे समय तक शूटिंग करनी होती थी जिसके लिए चाय ही मुझे चलती थी। मैंने अपने साथी से कहा कि मैं भी कुछ दिनों तक चाय नहीं पीऊंगी। मैंने सोचा था कि कोशिश करने से परेशानी नहीं होगी। दिव्यांका कहती है, शुरुआती दिन मुश्किल थे क्योंकि मुझे चाय ना पीने की वजह से भयानक सिर दर्द हुआ करता था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने चाय पीना छोड़ दिया है। दूध और चीनी के साथ चाय पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है और तब मैं बहुत ज्यादा चाय पिया करती थी। अभिनेत्री ने बताया कि चाय छोड़ने के एक महीने बाद मैंने देखा कि मेरी त्वचा चमकने लगी थी। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो एक ऐसे शहर से आता है जहां लोग अक्सर चाय पीते हैं, ये आसान नहीं था, लेकिन आपकी सेहत से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है।